नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने हाथ मिला लिया है। इन लोगों ने शुक्रवार को लगभग एक घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की। एचएएम की तरफ से आधिकारिक बयान आया है कि जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम और वीआईपी दोनों मिलकर यूपी में साथ चुनाव लड़ेंगे, यानी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। माना जाता है कि यूपी में निषाद समाज का जो है वो ठीक ठाक वोट बैंक है और उसे मुकेश सहनी प्रभावित कर सकते हैं। मुकेश सहनी लगातार भाजपा पर दबाव बना रहे हैं कि वो बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन के साथ लड़े ताकि कुछ सीटों पर उन्हें जीत हासिल हो सके। वहीं जीतन राम मांझी ने अब तक यूपी में चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया था, लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी का साथ मिला तो वो भी चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। दोनों नेता बिहार के सत्तारूढ़ एनडीए में हैं और यूपी के बहाने बिहार की राजनीति को साध रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव जीतन राम मांझी पर मुकेश सहनी और उत्तर प्रदेश की राजनीति के जरिए बिहार की राजनीति को साधना चाहते हैं। आने वाले 24 बिहार विधान परिषद सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। अब ये दोनों पार्टियां ये चाहती है कि इन 24 विधान परिषद की सीटों में ठीक ठाक हिस्सेदारी मिले, जबकि इन 24 विधानसभा क्षेत्र की सीटों में ज्यादातर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के लोग रिटायर हुए हैं और उन्होंने इन पार्टी पर दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जीतन राम मांझी अपने परिवार के लिए, जिनमें उनके छोटे बेटे और बहू तमाश शामिल हैं, उनके लिए सीट चाहते हैं। वहीं मुकेश सहनी का पूरा फोकस यूपी चुनाव पर है। वो चाहते हैं कि भाजपा के सहारे यूपी चुनाव की नैया पार कर ली जाए। जैसे बिहार में 4 सीट उन्होंने भाजपा के सहारे जीता था, वैसे ही यूपी में भी कुछ ऐसा ही जीत मिल जाए ताकि उनकी पार्टी का विस्तार हो सके। इसको लेकर वो लगातार यूपी में कैंप भी कर रहे हैं। यूपी में निषाद समुदाय की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी के चलते 2018 के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी 25 साल बाद गोरखपुर सीट को हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी को हराने वाले निषाद पार्टी वाले संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को अगले ही साल 2019 में बीजेपी ने संत कबीर नगर सीट से लोकसभा की टिकट दे दिया और वर्तमान में वो लोकसभा सांसद हैं। निषाद समुदाय में केवट, बिंद, मल्लार, कश्यप, नोनिया, मांझी, गोंड समेत 22 उपजातियां हैं। पूर्वांचल की करीब 60 सीटों को निषाद वोट बेहद प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, कई सीटों में इनकी आबादी इतनी है कि ये हार जीत तय करते हैं। इसी समीकरण को लेकर मुकेश सहनी यूपी में फ्रंट पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यूपी में बीजेपी ने अभी तक कोई मुकेश सहनी को कोई तरजीह नहीं दी है। माना जाता है कि मांझी और सहनी बिहार के लिए किंग मेकर की भूमिका में हैं। बिहार विधानसभा के गणित को देखा जाए तो जेडीयू के पास 45 और एक निर्दलीय समर्थन प्राप्त है, कुल 46 विधायक हैं। भाजपा के पास कुल 74 विधायक हैं, वहीं 4 विधायक हम के हैं और 3 विधायक वीआईपी पार्टी के हैं। एक का निधन हो चुका है। अभी सत्तारूढ़ एनडीए के 127 विधायक हैं। वहीं महागठबंधन में आरएलडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां मिलकर 110 विधायक हैं। 5 विधायक एआईएमआईएम के हैं, उन्होंने किसी को समर्थन नहीं दिया है। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायक की जरूरत है। ऐसे में मांझी और मुकेश सहनी यदि अपना पल्ला पलटते हैं तो सरकार संकट में आ जाएगी। इसी बात का फायदा जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी उठा रहे हैं। चाहते हैं कि यूपी चुनाव के बहाने बिहार की राजनीति को साध लें। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए लाइव टाइम न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले एक साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था, फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से
आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम हो का सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली।